हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम वेजिटेबल मैगी बनाना सीखेंगे, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। सबसे पहले छोटे छोटे कटे हुए गोभी, स्वीट कॉर्न, हरे मिर्च, जो कि दो हरे मिर्च हमने काटे हैं मीडियम साइज़ के, एक मीडियम साइज़ टमाटर जो कि छोटा छोटा काटा है, एक मीडियम साइज़ प्याज, एक इंच के करीब अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन की, ये पनीर, ये गाजर, ये शिमला मिर्च, ये मटर, ये बटर, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला, ये हम बहुत ही कम मात्रा में लेंगे, ये थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, और ये दो मैगी के पीस लिए हमने, और ये दो टेस्ट मेकर भी लिए हैं इसके साथ ही। आप चाहें तो इनमें से कुछ वेजिटेबल्स हटा भी सकते हैं, सारी ज़रूरी नहीं है, ये मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं सभी कुछ यूज़ करने के लिए सोचा। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो आइए अब इसमें हम एक एक करके सब्जियां डालते हैं। सबसे पहले हम अदरक डालेंगे, लहसुन डाल देंगे, और प्याज डाल देंगे, प्याज डालने के बाद इसे थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, तो ये हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं, प्याज हमें और पकाना है, लेकिन और भी सब्जियां हैं तो इसलिए हम पहले ही सब्जियां डाल लें, शुरू कर देते हैं। ये गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। अब इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे, टमाटर हम सबसे लास्ट में डालेंगे, स्वीट कॉर्न डालकर थोड़ी देर इसे पका लेंगे। और इसमें मटर भी डाल देंगे, पनीर डाल देते हैं, अभी करीब 1 मिनट तक सौते कर लेते हैं। तो ये 1 मिनट ऑलमोस्ट हमने पका लिया हाई फ्लेम पर, अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे,
टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक क्योंकि हमने सब्जियां ज़्यादा ली हैं इसलिए मैं ऑलमोस्ट 1 to 1.5 टीस्पून नमक डाल रहा हूँ। आप अगर सब्जियां कम डालें तो उसमें नमक कम डालें क्योंकि टेस्ट मेकर में भी ये नमक होता है। फिर से कॉपे करना है, सारी सब्जियों को फिर से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर टमाटर को पकने देते हैं करीब आधा मिनट। तो टमाटर हमारे पक गए हैं, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। 2 मैगी के लिए एक्चुअली 500 ml पानी की ज़रूरत होती है, मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी नाप के रख लिया है। अब ये पानी मैं इसमें डाल देता हूँ क्योंकि हमने सब्ज़ियाँ ज़्यादा ली हैं इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालूंगा। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। ये जीरा पाउडर, लाल मिर्च आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, मुझे स्पाइसी मैगी बनानी है इसलिए मैं थोड़ा रेड चिली ज़्यादा डाल रहा हूँ। ये अराउंड 1.5 टीस्पून था, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और एक उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे, हम उसी के बाद इसमें मैगी डालेंगे। और उससे पहले हमें टेस्ट मेकर भी डाल देते हैं दोनों। इसे भी मिला लेते हैं और अब एक उबाल आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम इसमें मैगी डाल देंगे। तो ये इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। मैगी को चाहें तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं या इसको तोड़ कर भी डाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरी भी डाल देंगे। इसको थोड़ा शुरू में थोड़ा दबा के पकाने का ट्राई करेंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैगी हमारी टूट गई है, अब हम इसे इसी तरीके से करीब 1 मिनट तक पकने देंगे जब तक इसका पानी सूख जाता है। तो पानी हमारा ऑलमोस्ट सूख गया है, अब हम इसमें ऊपर से ये बटर डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे और इसे मिला लेते हैं। ये मैगी हमारी तैयार है, अब हम इसे थाली में निकाल लेते हैं। तो मैगी हमारी तैयार है फ्रेंड्स, आप इसे गरम गरम खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मैंने जस्ट अभी टेस्ट की है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।